अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला जो हमारा टॉपिक था बच्चे, वो है हमारे पास डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। वर्ड है विसिनल। विसिनल का मतलब होता है कि आपके पास दो कार्बन एटम्स के साथ जो हैं आपके पास दो एक जैसे ग्रुप लगे हुए। ये जैसे देखें कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसके साथ ये एक्स एक्स लगा हुआ है, ठीक है, आमने सामने, एक आगे पीछे, इसको हम कहते हैं विसिनल। ठीक हो गया। तो वर्ड विसिनल डाइहैलाइड्स हैं आपके पास। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये बेशक छोड़ दें, नीचे वाला कर लें, जिंक है, जिंक आएगी और ये आपके पास जो ब्रोमीन है दोनों या यहाँ से उठा के ले जाएगी, आपके पास Br2 बन जाएगा और जो ये आधा आधा बॉन्ड है इसका वो हमारे पास ऊपर चला जाएगा सेकेंड डबल बॉन्ड की सूरत में। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH ये अल्कोहल होता है, ठीक है, मैथनॉल भी इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गया डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन मतलब हेलोजेंस आपने रिमूव करी है यहाँ पे। अब ये फिर आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस है, कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जो आपने उधर पढ़ा था उसमें पीछे अल्केन्स में। इसमें भी क्या होगा, इसमें बस एक फ़र्क है आपके पास कि इसमें आपके पास वहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ था सोडियम सॉल्ट, यहाँ पे दो डाई कार्बोक्सिलिक होगा, ठीक है, दो। ये आपके पास उसका CH2 है, इसके साथ दो अदद ये लगे हुए हैं, इनके अंदर आपके पास डबल बॉन्ड आएगा, होना वही है, पहले ये सोडियम यहाँ से निकल जाएगा, पीछे ये रह गया, पीछे ये आपके पास आएगा एनोड पे, यहाँ से आपके पास दो आपके पास ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, कहाँ से ब्रेकडाउन होगी, एक आपके पास यहाँ से और यहाँ से टूटेंगे बॉन्ड, सही है, और ये आपके पास बॉन्ड यहाँ पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो नेक्स्ट स्टेप में टूटेंगे, यहाँ से आपके पास दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, ये नेगेटिव है ना, यहाँ से दो दो इलेक्ट्रॉन निकले, ये डॉट डॉट के फॉर्म में आ गए। अब होगा ये कि आपके पास ये डॉट वाला जो है यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा, एक डॉट इस डॉट के साथ मिलके यहाँ पे बॉन्ड करेगा, एक डॉट इस ये वाला डॉट इसके साथ मिलके यहाँ पे बॉन्ड, और पीछे ये एक डॉट ये यहाँ पे आ गया, सही है। तो ये हमारे पास आगे, अब ये जो डॉट डॉट है मिलने के बाद ये आपके पास डबल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब बाकी का जो है इलेक्ट्रॉन आपके पास दो अदद जो यहाँ से आपने रिमूव किए हैं, ये हमारे पास वाटर में चेंज हो जाएगा, OH नेगेटिव बना देगा, ठीक है, हाइड्रोजन और हमारे पास सोडियम और OH नेगेटिव जो है वो NaOH।